हेलो ब्यूटीफुल, वेलकम और वेलकम बैक। आई होप यू डूइंग रियली रियली वेल एंड वेलकम बैक टू येट अनदर एपिसोड ऑफ आर बेस्ट एंड वर्स्ट ऑफ सीरीज। आज हम करने वाले हैं बेस्ट एंड वर्स्ट ऑफ द सीका क्रीम्स, जितनी भी मैंने आज तक ट्राई करी हैं। आई थिंक 9-10 क्रीम्स हैं मेरे पास यहाँ पे, ऑलमोस्ट सारी ही सीका क्रीम्स अवेलेबल हैं। सो इनको मैं काफ़ी टाइम दे चुकी हूँ, कुछ तो फिनिश हो चुकी हैं, कुछ रीपरचेज भी हो चुकी हैं। सो आज मैं बताऊँगी कि इसमें से बेस्ट मुझे कौन सी लगी हैं, विच आई विल हाईली रिकमेंड एंड विच आई विल लव टू रीपरचेज अगेन। सो इफ यू इंटरेस्टेड देन प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग। सो द वेरी फर्स्ट सीका क्रीम जो मैंने ली थी वॉज दिस क्लियर्स का मिडनाइट ब्लू कामिंग क्रीम। इस तरह के आउटर पैकेजिंग में आती है, ऑलमोस्ट सारा इन्फॉर्मेशन इस पे मेंशन है। ये है इसका अंदर का ट्यूब पैकेजिंग, परचेज किया है, ये मेरा पहले का एम्प्टी है एंड दिस इज माय रीपरचेज्ड आइटम। आई लव इट, मुझे बहुत अच्छी लगी थी बिकॉज इसके अंदर ना काफ़ी अच्छे अच्छे इंग्रेडिएंट्स डले हुए हैं, जैसे ग्वाज़िलिन है, सेंटेला है, सेरेमाइड्स हैं, पेप्टाइड्स हैं। सो वन ऑफ दैट सीका क्रीम, अगर आपको कहीं पे भी रेडनेस हो रही है या सडन अगर आपका स्किन ऐसा है जो बहुत जल्दी इरिटेट हो जाता है और कोई भी अगर गंदा हाथ लगाओ तो यहाँ पे रेड रेड होना शुरू हो जाता है, इफ यू फॉल अंडर कैटेगरी ऑफ दोज पीपल यू गोना लव इट। बिकॉज जब जब मुझे वैसा इरिटेशन निकलता था आई यूज टू अप्लाई दिस और ये इंस्टेंटली विद इन 10 मिनट्स के अंदर उस रेडनेस को खत्म कर देती है, बिल्कुल ठीक कर देती है उस एरिया को। लव इट, इट्स परफेक्ट फॉर आफ्टर सन, अगर आपको सन बर्न हो गया है उसमें आप इसको यूज़ कर सकते हो। इफ़ यू प्लानिंग फॉर अ बीच वेकेशन यू कैन यूज दिस वन। ये बहुत अच्छे से आपकी स्किन को काम डाउन एंड सूथ करने में हेल्प करती है। टेक्स्चर इसका बहुत ज़्यादा प्यारा है, इट्स अ क्रीमी टेक्स्चर, बहुत ज़्यादा थिक मैं नहीं इसको बोलूँगी, इट्स अ मीडियम कंसिस्टेंसी ब्लू कलर का, अंदर हल्का सा इसमें ब्लू हिंट है बिकॉज ऑफ द ग्वाज़िलिन इन दिस वन, जो कि बहुत ज़्यादा सूदिंग होती है। तो ओनली कॉन ऑफ दिस वन कि इसके अंदर ना कुछ बटर एंड कुछ ऑयल्स डले हुए हैं, एक तो इसमें आपको शिया बटर मिल जाएगा और एक इसमें आर्गन ऑयल, सनफ्लावर सीड ऑयल एंड होहोबा ऑयल आपको इसमें मिल जाएगा। तो ये 2-3 तरह के इसमें ऑयल डले हुए हैं। सो दैट इज़ द ओनली कॉन कि अगर आप क्लोज कॉमेडोन प्रोन हैं और आपको आपकी स्किन पे किसी भी तरह का ऑयल या ऑयल डेरिवेटिव सूट नहीं करता है देन दिस वन इज़ नॉट फॉर यू। बट अदर देन दैट इट्स अ ब्यूटिफुल सीका क्रीम। दोबारा रिपर्चेज करूँगी आई थिंक नो, बिकॉज इसमें ऑयल्स हैं और अभी मेरा स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली हो गया है और दोबारा से कॉमेडोन्स हो रहे हैं, सो आई वोंट टेक अ रिस्क अगेन टू परचेज दिस वन। बट येस इंडीड अ ब्यूटिफुल सीका क्रीम, कहीं पर अगर इरिटेशन है तो इसमें ये डेफिनेटली हेल्प करेगी आपको, ब्यूटिफुल वन, हाईली रिकमेंडेड। उसके बाद मैंने ट्राई किया था दिस बायोडर्मा का सीका बायो क्रीम, इस तरह की ये पैकेजिंग में आती है। ये है इसका अंदर का ट्यूब पैकेजिंग, 40 ml का प्रोडक्ट है, रिटेल फॉर अराउंड 1300 or 1400 के आसपास आपको पड़ता है। बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि इस पर आपको डिस्काउंट मिले, आपको फुल प्राइस पे ही लेनी पड़ती है एंड इट्स माय थर्ड रीपरचेज, दैट मच आई लव दिस वन। अब ये और अगर आप क्लियर्स में से कोई एक पूछोगे तो आई वुड से इफ़ यू लुकिंग फॉर समथिंग कामिंग आप उसकी तरफ जा सकते हो, इफ़ यू लुकिंग समथिंग फॉर रिपेयरिंग योर स्किन यू कैन गो फॉर दिस वन। कहीं पे अगर आपको कट लगा है, कहीं पे बर्न हो गया है, आप बच्चे बूढ़े सबको इसको लगा सकते हो। इवन आई यूज दिस वन ऑन अमायरा को कभी कभी जैसे बम्प निकल जाते हैं एक्ने के, या कहीं पे भी रेडनेस हो जाती है, कहीं भी इरिटेशन हो जाती है, इसको मैं उसके लिए लगाती हूँ, दैट्स वाई मैंने इसको दोबारा रिपर्चेज किया है। नाउ इसके अंदर जिंक डला हुआ है विच हैज़ एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज, इसमें स्किन को रिपेयर करने वाले इन्ग्रीडियंट्स डले हुए हैं। नाउ आई वोंट से कि हाँ ये बिल्कुल जो एक मेडिकेटेड क्रीम है उसके जैसा ये काम करेगी, हाँ जले हुए बहुत ज़्यादा जल गया उसको ठीक कर देगी, नो, माइनर इरिटेशंस हैं, माइनर कहीं पे बर्न हो गया है, इट डेफिनेटली हेल्प इन सूदिंग दैट आउट। फ्रॉम माय साइड आई विल रिकमेंड दिस वन एंड आई विल डेफिनेटली रिपर्चेज दिस वन अगेन फॉर मी एज वेल एंड फॉर अमायरा एज वेल। ब्यूटीफुल मॉइस्चराइजर, ब्यूटीफुल सीका क्रीम, हाईली रिकमेंडेड। उसके बाद मैंने ली थी ये लनेज का सीका स्लीपिंग मास्क, इस तरह की ये पैकेजिंग में आता है। नाउ आई डोंट लाइक द टेक्सचर ऑफ दिस वन, इसका टेक्सचर थोड़ा सा थिक है, दो इसके अंदर हल्का सा टी ट्री का स्मेल है बट दैट आई कैन इग्नोर बिकॉज आई लव टी ट्री का फ्रेग्रेंस, टी ट्री हैज़ इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज एज वेल, बट थोड़ा सा ना मुझे ये अपनी स्किन के लिए थिक फील हुआ सो आई कुड नॉट यूज़ इट और ये एज इट इज़
ऐसे ही पड़ा हुआ है. पहले आई थॉट कि आई विल गिव इट टू समवन और माय हस्बैंड विल यूज दिस वन, बट नहीं हो पाया. इंग्रेडिएंट्स में इसमें ऑन द टॉप प्रोपेन डिओल है, आपको इसमें स्क्वालेन मिल जाता है विच इज़ अ सेफेस्ट ऑयल आई वुड से फॉर एक्ने प्रोन स्किन एज वेल. कुछ इसमें बंच ऑफ ह्यूमेक्टेंट्स डले हुए हैं एंड शिया बटर डला है. सो सम टाइम आई फील माई स्किन इज नॉट एक्सेप्टेबल फॉर शिया बटर. तो शिया बटर कहीं पर आता है तो मुझे थोड़ा सा ऐसे हो जाता है कि यार लगाऊंगी तो कॉमेडोन्स हो जाएंगे. उसके अलावा इसमें बहुत ज़्यादा से ताबड़तोड़ इन्ग्रीडियंट्स नहीं है. सेंटेला एशियाटिका के काफ़ी सारे एक्सट्रैक्ट्स डले हुए हैं एंड आपको टी ट्री लीफ ऑयल भी मिल जाएगा, वाइटामिन ई भी है एंड लास्ट में एक मार्टिनी ऑयल भी डला हुआ है इसके अंदर. सो इन्ग्रीडियंट लिस्ट अच्छी है. अगर आप रेंज करते हो बिटवीन नॉर्मल टू ड्राई स्किन यू कैन गो फॉर दिस वन, बट फॉर एक्ने प्रोन एंड क्लोज कॉमेडोन प्रोन स्किन अब देख लेना अगर शिया बटर सूट करता है यू कैन गो फॉर दिस वन. बट मैं इसको पर्सनली मैं बहुत ज़्यादा इंजॉय नहीं कर पाई यूज़ करना, सो आई वोंट बी रीपरचेजिंग दिस वन, बट इफ यू वॉन्ट टू गो फॉर दिस वन यू कैन. उसके बाद मैंने ट्राई करी थी दिस प्यूरिटो का डरमाइड सीका बैरियर स्लीपिंग पैक. इस तरह की ये पैकेजिंग है इसका अंदर का ट्यूब पैकेजिंग. नाउ एज यू कैन सी पैकेजिंग से आपको पता चल रहा होगा कि मैं इसको बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं कर पाई हूँ. बेचारी ये ऐसी कि ऐसे ही रह गई जस्ट बिकॉज कि इसका टेक्सचर थोड़ा सा थिक एंड क्रीमी वाला है. आई डोंट लाइक क्रीमी टेक्सचर्स, आई प्रेफर जेल क्रीम कंसिस्टेंसीज, दैट वॉज वन रीज़न. सेकेंड इसके अंदर भी कुछ ऑयल्स डले हुए हैं, दैट्स वाई मैं इसको बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं कर पाई. ऑन द टॉप इसमें आपको सेंटेला शाटिका मिलता है जिसका कॉन्सेंट्रेशन मैंशन है 2.5%. देन इसमें डला हुआ है ग्लिसरीन स्क्वालेन है विच इज़ अ सेफेस्ट ऑयल. बट उसके बाद इसमें दो ऑयल्स डले हुए हैं, वन इज़ होबा ऑयल, सेकेंड इज़ सनफ्लावर सीड ऑयल. उसके अलावा इसमें सेंटेला एशियाटिका के और एक्सट्रैक्ट डले हुए हैं. मैं आपको 0.003% का सेरामाइड मिल जाएगा, सोडियम हाइलुरोनेट है एंड लास्ट में ग्रीन टी लीफ एक्सट्रैक्ट डला हुआ है. इंग्रेडिएंट लिस्ट बहुत बेकार नहीं है, इंग्रेडिएंट लिस्ट काफ़ी अच्छी है, बट द ओनली रीज़न कि माय स्किन इज़ ऑयली एक्ने प्रोन. अगर ड्राई स्किन होती देन इट्स गोना बी अ परफेक्ट ऑप्शन, बट फॉर माय स्किन टाइप इट्स नॉट सूटेबल. सो अगर आप ड्राई स्किन वाले हैं यू कैन गो फॉर दिस वन, इट्स अ गुड वन, बट ऑयली एक्ने प्रोन वाले हो तो अवॉइड दिस. उसके बाद मैंने यूज़ करी थी दिस डॉट एंड की का सीका कमिंग नाइट जेल. लव 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 दिस वन. यू गाइस ऑलरेडी नो इट्स माय थर्ड टब. आई लव दिस बिकॉज ऑफ दिस लाइट जेल टेक्सचर. बहुत ही प्यारा टेक्सचर है. सेरेमाइड्स हैं, सेंटेला है, ग्रीन टी है, इसमें भी टी ट्री डला हुआ है विच हैज़ एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़. काफ़ी अच्छी इन्ग्रीडियंट लिस्ट है, बहुत बार मैं बता चुकी हूँ, आई थिंक आई डोंट नीड टू रिपीट माई सेल्फ. बहुत अच्छी है, लव इट. इफ यू पर्सन हु इज ऑयली एक्ने प्रोन स्किन दिस इज द वन फॉर यू. यू कैन गो फॉर दिस वन आंखें बंद करके, बट इफ यू पर्सन हु अवॉइड असेंशियल ऑयल्स यू कैन स्किप दिस वन बिकॉज इसके अंदर पेपरमेंट ऑयल डला हुआ है विच कैन सेंसिटाइज सम पीपल एंड टी ट्री है विच वी ऑल नो हैज एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज. बट स्टिल इफ यू अवॉइड any kind of essential oil you can skip this one, but it's a perfect calming cream for oily acne prone skin. और इसके साथ भी मैंने बहुत बार experiment करके देखा है, like I said in the case of clears वाला calming cream, जैसे वो काम करती है ये भी काफ़ी अच्छे से काम करती है. अगर आप इसको आफ्टर और थ्रेडिंग लगाते हो तब भी ये काफ़ी अच्छे से उस एरिया को सूद डाउन कर देती है. ब्यूटिफुल वन, आई लव इट, हाईली रिकमेंडेड. उसके बाद मैंने ट्राई करी थी दिस XSY का हार्ट लीव माई टाइप कामिंग क्रीम. इस तरह की ये ट्यूब पैकेजिंग में आती है. लव इट बिकॉज ऑफ इट्स लाइट जेल टेक्स्चर. नाउ इसके अंदर भी ग्वाज़लिन डला हुआ है, दैट्स वाई इसका हल्का सा ब्लू कलर है. प्लस इसमें आपको हार्ट लीफ मिल जाएगा विच इज़ अगेन वेरी वेरी सूदिंग एंड इसमें डला हुआ है सेंटेला. नाउ एज अ सेंटेला की कॉन्सेंट्रेशन इसमें मेंशन नहीं है, बट अगर आपने इस पूरे ब्रांड का रिव्यू देखा है यू नो कि इसके अंदर किसी भी तरह का कोई भी ऑयल या ऑयल डेरिवेटिव नहीं डला हुआ है. इट्स अ ब्यूटिफुल कामिंग क्रीम फॉर ऑयली एक्ने प्रोन एंड इवन इफ यू आर अ क्लोज कॉमेडोन प्रोन स्किन इट्स अ ब्यूटिफुल वन. बट इफ़ यू आर अ कॉम्बिनेशन स्किन लाइक ड्राई भी है एंड ऑयली भी है देन यू कैन चेक दिस वन आउट. ये भी XSY की है, सेरा हार्ट माई टाइप ड्यूओ क्रीम है. इसमें आपको ये दो तरह के जोन मिलते हैं, एक ये ऑयली जोन के लिए है एंड दिस वन इज फॉर ड्राई जोन. ड्राई जोन है ना, इसके अंदर आपको सेरामाइड्स भी मिलते हैं एंड कुछ एक ऑयल्स डले हुए हैं. तो अगर आप कॉम्बिनेशन स्किन है यू कैन गो फॉर दिस वन, और अगर आपका सिर्फ ऑयली स्किन है
पूरा फेस ऑयली है, देन यू कैन गो फॉर दैट वन, बिकॉज इसका जो ये वाला ऑयली वाला पार्ट है ना, इसका इंग्रेडिएंट लिस्ट और उसका एग्जैक्टली सेम है. सो यू कैन गो फॉर दिस एज वेल इफ यू आर अ कॉम्बिनेशन स्किन. उसके बाद मैंने ट्राई किया था दिस वॉन्ट का काम क्रीम. इस तरह की ये पैकेजिंग है एंड ये है इसका अंदर का ग्लास पंप पैकेजिंग. नाउ यू कैन सी कि मैं बहुत ज़्यादा इसको यूज़ नहीं कर पाई हूँ. रीज़न अगेन सेम जो मैंने इनकी NMF वाले मॉइस्चराइजर में बताया था कि इस ब्रांड के इन प्रोडक्ट से ना बड़ी अजीब सी स्मेल आती है, सो आई एम नॉट कम्फर्टेबल पुटिंग देम ऑन माई फेस. दो इसकी इंग्रेडिएंट लिस्ट काफ़ी अच्छी है. इसमें आपको ऑन द टॉप ही सेंटेला मिलता है, बंच ऑफ इसमें आपको प्लांट शुगर्स मिल रही हैं, इसमें स्क्वालेन मिल जाएगा आपको, कैलेंडुला डला हुआ है एंड कुछ ऑयल्स इसमें डले हुए हैं. मैकेडेमिया ऑयल है, ओट कर्नल ऑयल है विच आर वेरी वेरी सूदिंग, कुछ इसमें फैटी एसिड्स हैं एंड सोडियम हाइलोरेट आपको मिल जाएगा. तो इन्ग्रीडियंट लिस्ट अच्छी है, टेक्स्चर बहुत प्यारा है, इट्स अ वेरी वेरी लाइट लोशन लाइक टेक्स्चर. बट The only con is the smell of the product which I don't like, so that's why मैं इसको बहुत ज़्यादा use नहीं कर पाई हूँ. But if you can ignore that part of the smell वाला part, then you can go for this one. It's a good one. उसके बाद मैंने लिया था this Etude House का Soon Young 5 Panthenol वाला सीका balm. ये अंदर की इसकी tube packaging है. As you can see, use मैंने किया है बट बहुत ज़्यादा मैं इसको use नहीं कर पाई. ये मैंने recently ही लिया था, I think 4-5 महीने पहले मैंने इसको लिया था. अच्छा है, बामी लाइक टेक्सचर है, बहुत ज़्यादा इन्जॉय तो मैंने नहीं किया इसके टेक्सचर को, बट ठीक है. बहुत ज़्यादा ऐसे स्वेटी वाला फील नहीं आपको इसके साथ आता है, गुड वन. इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो एज द नेम से 5-Panthenosite, तो इसमें 5% ऑफ आपको पैंथेनॉल मिलता है विच इज़ वेरी वेरी सूदिंग एंड कामिंग ऑन द स्किन. इट्स अ ग्रेट हाइड्रेटर. उसके अलावा इसमें आपको सेंटेला मिल जाएगा ऑफकोर्स, स्क्वालेन है ऑन द टॉप, ग्रीन टी आपको मिल जाएगी, बंच ऑफ ह्यूमेक्टेंट्स आर देयर. एज सच कोई भी आर्गन ऑयल या सनफ्लावर सीड ऑयल वैसे तरह के ऑयल नहीं डले हुए इसमें, सिर्फ स्क्वालेन डली हुई है विच इज़ अ सेफेस्ट ऑयल फॉर इवन फॉर एक्ने प्रोन स्किन एज वेल. गुड वन, बट बहुत ज़्यादा मैंने इसको इन्जॉय नहीं किया. बहुत ज़्यादा से कामिंग वाले बेनिफिट्स भी मुझे इससे नहीं देखने को मिले, सो आई मे नॉट रीपरचेज, बट इट्स अ गुड वन. इफ यू वॉन्टेड टू गो फॉर दिस वन, यू कैन. लास्ट एंड माई रिसेंट वन इज दिस कॉजरेक्स का सीका क्रीम. इसका ट्यूब पैकेजिंग यू कैन सी, बहुत ज़्यादा मैं इसको यूज़ नहीं कर पाई हूँ बिकॉज अभी मैंने आई थिंक ये लास्ट टू लास्ट मंथ में ही पिक करी है. ना इसके इन्ग्रीडियंट्स की बात करें तो इसमें मैंशन है कि इसके अंदर डला हुआ है 58% ऑफ सीका का कॉम्प्लेक्स, जिसमें आपको सेंटेला एशियाटिका के ही काफ़ी सारे कंपोनेंट्स मिल जाते हैं, जैसे एशियाटिको साइड है, एशियाटिक एसिड है, मेडिकोसाइड है, सेंटेला लीफ एक्सट्रैक्ट है, रूट एक्सट्रैक्ट है एंड सेंटेला एशियाटिका का एक्सट्रैक्ट है. तो ये कॉम्बिनेशन के इंग्रेडिएंट का 58.6% कॉन्सेंट्रेशन डला हुआ है, विच आई फील इज़ द हाइएस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सीका जितनी भी हमने अभी तक बात करी. कुछ में तो मेंशन ही नहीं है कि कितना सीका है, बट इसमें क्लियरली मेंशन है कि 58% इसमें सीका डाला हुआ है. अपार्ट फ्रॉम दैट इसमें एक सनफ्लावर सीड ऑयल डाला हुआ है एंड मैकेडेमिया ऑयल, दो ऑयल डले हुए हैं. सो नॉट वेरी हैप्पी विद द ऑयल वाला पार्ट. नेक्स्ट इसमें वीज वैक्स भी डली हुई है. वीज वैक्स स्टिल आई कैन इग्नोर कि बहुत ज़्यादा कॉमेडोजेनिक नहीं होगी. पैंथेनॉल है इसके अंदर भी, आर्जिनिन है, एलेंटोइन है विच आर वेरी वेरी सूदिंग, सोडियम हाइलोरोनेट है. सो इंग्रेडिएंट लिस्ट काफ़ी अच्छी है. आई फील अगर इन्होंने ऑयल नहीं डाले होते तो ज़्यादा अच्छा होता, बट ऑयल्स डाल दिए हैं, सो समटाइम आई फील इट फील्स हैवी ऑन द स्किन, लाइक बींग अ एक्ने प्रोन स्किन और इफ़ यू हैविंग क्लोज कॉमेंट ऑन प्रोन स्किन, देन ये ऑयल्स लगाना फेस पे थोड़ा सा लगता है कि हैवी फील हो रहा है. बट आई होप कि यू नो वो एक ऑयल फ्री वर्जन के साथ भी आए. मैंने जितना भी अभी तक देखा ना, ऑयल फ्री सीका क्रीम के ऑप्शंस बहुत ज़्यादा कम है मार्केट में. सो आई होप कि जल्दी कोई ब्रांड ऐसे सीका क्रीम के साथ आएगा जिसमें बहुत ज़्यादा ऑयल्स ना हो एंड एट द सेम टाइम सीका का कॉन्सेंट्रेशन भी अच्छा खासा हो. बट येस, इट्स अ गुड वन. अगेन वही बामी लाइक टेक्स्चर है इसका भी, जैसा मैंने आपको ट्यूड हाउस वाले का बताया वैसा ही बामी सा टेक्स्चर है. बहुत ज़्यादा इन्जॉय मैंने नहीं कर रही हूँ इसको, दैट्स वाई अभी तक ये बेचारी बची हुई है. अदरवाइज ये कब की खत्म हो गई होती, बट स्टिल आई हैव टाइम लेफ्ट. अदरवाइज अगर मुझे नहीं लगा तो आई मे सेल दिस इन अ ब्लॉग सेल. तो इफ़ यू इंटरेस्टेड टू गेट एनी ऑफ दीज,
यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम और मुझे बता देना कौन सी वाली आप ट्राई करना चाहोगे. आई विल सेल देम इन अ हाफ प्राइस. सो या दीज आर द वन जो मैंने अभी तक ट्राई करी हैं. अगर और मुझे कोई ऑप्शन मिलेंगी अच्छी फॉर ऑयली एक्ने प्रोन स्किन जो एट द सेम टाइम काम भी करेंगी स्किन को और अफोर्डेबल भी हो, सीका का कॉन्सेंट्रेशन भी अच्छा खासा हो, तो आई डेफिनेटली बता दूंगी मैं आपको अपनी अगली वीडियोज में. सो या आई होप यू फाउंड दिस वीडियो लिटिल बिट हेल्पफुल. थोड़ी सी भी हेल्प हुई है थम्सअप दे देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना. मिलती हूँ मैं आपको अपनी अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा. बाय बाय.